सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त एंथिक मेकर्स। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैडो म्यूटू के बारे में और इलाइट रेड्स में आने वाले पोकेमोन के बारे में। सो वीडियो में एंड तक बने रहना और कोई पार्ट स्किप मत करना। अगर बात करें टीम गो रॉकेट टेक ओवर वाले इवेंट के बारे में, सो इस बार हमें जियोवानी के पास शैडो म्यूटू देखने मिल रहा है, जो वन ऑफ द बेस्ट शैडो पोकेमोन है। और ये इवेंट स्टार्ट होगा ऑन नवंबर 14 टू नवंबर 17। और ग्रंट्स के पास हमें कुछ सिंपल से पोकेमॉन देखने मिलेंगे, जो आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। और 12 किलोमीटर एक्स के अंदर आपको ये वाले पोकेमॉन देखने मिलेंगे। और आपको एक रिसर्च भी देखने मिलेगी मिस्टीरियस कंपोनेंट करके, जिस रिसर्च को पूरा करते हुए आप इजीली शैडो म्यूटू को गेट कर पाओगे। अब पॉनियार्ड की भी शाइनी फैमिली ऐड हो चुकी है, जो आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लाइट रेड्स की। तो लाइट रेड स्टार्ट होगी ऑन 13 नवंबर फ्रॉम 11 AM टू 5 PM। और इसमें आपको कोई भी न्यू मिथिकल पोकेमॉन देखने नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिथिकल अनबाउंड हुपा ही देखने मिलेगा। जब लास्ट टाइम हमें इलाइट रेड्स देखने मिली थी, तो कुछ लोग अच्छे से इलाइट रेड्स को परफॉर्म नहीं कर पाए थे। इसके लिए पोकेमॉन गो ने फिर से अनबाउंड हुपा को रेड्स के अंदर अवेलेबल करवाया है। और आपके पास फिर से एक और अपॉर्चुनिटी है टू गेट अनबाउंड हुपा, सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो मिलते हैं अपनी ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।